बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मशहूर होने के लिए किसी ने अपने शोहर को मार डाला तो कुछ लोग बद अखलाकी पर उतर आए। पाकिस्तान में टिकटॉक काफ़ी मशहूर प्लेटफार्म है, जहां से कई लोग शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। लेकिन इसी टिकटॉक ने पाकिस्तानी माशरे में बेहयाई के नए नए रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। गैर अखलाकी वीडियोस, बेहयाई और हम जिंस प्रस्ती समेत कई ऐसे मवाद मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी और इस्लामी लिहाज से शर्म का बायस हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसे टिकटॉकर्स के बारे में बताने वाले हैं जो लाइक और फॉलोअर्स हासिल करने के चक्कर में तमाम हदूद पार कर गए। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें। नंबर एक, शोहरत की खातर इन मोहतरमा ने अपने शोहर को ही मार डाला। लाहौर से तल्लुक रखने वाला एक टिकटॉकर जोड़ा इस वक्त काफी मशहूर हो गया, जब टिकटॉकर आदर राजपूत की बीवी ने सिर्फ मशहूर होने के लिए एक ड्रामा रचाया। इस औरत ने एक वीडियो अपलोड की जिसमे अपने शोहर की मौत की खबर रोते हुए सुनाई। पहले तो फॉलोअर्स ने अफसुर्दगी का इजहार किया, मगर जब बांडा फूटा तो पता चला सब ड्रामा है जो सिर्फ मशहूर होने के लिए किया गया। बाद में लोगों ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया और इनका मजाक भी खूब बना। नंबर दो, मज़ार कायद पर रक्स करती एक टिकटॉकर लड़की की वीडियो ने इखलाकी इकदार की पमाली की। इन बेहया लोगों ने मज़ार कायद को भी ना बख्शा। ये वीडियो मंजरे आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर इस लड़की को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। नंबर तीन, फैंस मीटिंग जश्न आज़ादी के दिन लाहौर में पेश आने वाला वाकया भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। जश्न आज़ादी के दिन एक खातून टिकटॉकर अपने फैंस से मिलने मीनारे पाकिस्तान आई थी, और बाकी की कहानी तो यकीनन आपको पता ही होगी। लेकिन ये वाकया नहायत अफसोसनाक और गलत था। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।